जिला पंचायत अध्यक्ष से। इसी कड़ी में मऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज जी। मनोज जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा के इस मंच पर। और जरा बताइए कि मऊ पर जब आपने ये जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था, कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी और 85 दिन के भीतर किस तरीके के एक्शन प्लान के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं मऊ जनपद से निर्विरोध जिला पंचायत का अध्यक्ष हुआ, तो सबसे पहले मैं इसके लिए अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमने सबसे पहले ये काम किया कि जो हमारी जिला निधि है, जो हमारे टैक्स है, जो प्राइवेट संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, जो देहात क्षेत्रों में है, उससे हमने आय बढ़ाने के लिए अपनी जिला निधि को हमने बढ़ाने का काम किया और कर्मचारियों से बैठक करके एक आदर्श जिला पंचायत, एक आदर्श जिला पंचायत उत्तर प्रदेश में मऊ हो, इसके लिए हमें अपनी आय को बढ़ाना होगा। हमने हमारी पहली प्राथमिकता रही कि जो भी हमारी जिला पंचायत की जमीनें देहात क्षेत्र में और नगर क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में पड़ी हुई है, जिनके अवैध कब्जा हुआ है अन्य विभाग के लोगों का, कुछ प्राइवेट लोगों का, उसको हमने खाली कराने के लिए संबंधित लोगों को निर्देश दिए। और भी जो सरकार की मानसिक जो प्राथमिकता है, हमने उस प्राथमिकता के आधार पे सड़कों के निर्माण के लिए, नाली के निर्माण के लिए, विकास कार्य के लिए हमने अपनी योजना बनाई। अच्छा, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र कौन से लगते हैं मऊ में आपको, जहां लगता है कि आपके अध्ययन के हिसाब से ये चीजें बहुत पिछड़ी हुई हैं, यहां कामकाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपने महसूस किया हो, ऐसे क्षेत्र आपने चिन्हित किए हैं? हाँ, हमारे यहाँ देवारा क्षेत्र है जो मधुबन क्षेत्र में, मधुबन तहसील में आता है। अच्छा। वो हमेशा बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है और आज भी बाढ़ पीड़ित, वहाँ पे बाढ़, भयंकर बाढ़ आई है। हमारे दोहरी घाट क्षेत्र में कुछ गांव है और मधुबन, ये जो क्षेत्र है हमारे, ये बाढ़ से पूरी तरह से ग्रस्त हुए हैं। तो इसकी भी योजना हम लोगों ने सिंचाई विभाग के साथ बैठ के, सिंचाई विभाग के एसडीएम से बैठ के योजना बनाई। कुछ काम पहले से चल रहे हैं, राहत का कार्य भी चल रहा है, लेकिन जब पानी कम होगा तो उसके लिए ये हुआ कि पानी कम होगा तो पिचिंग का कार्य, अभी हमारे जो हमारा कोपागंज ब्लॉक है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, सहरूज गाँव, वहाँ भी बंधा हमारा सिंचाई विभाग का बंधा है, वो भी बंधा जगह जगह से डैमेज हो चुका है। एक अलीनगर गाँव है, वो भी बंधा। तो जो भी सिंचाई विभाग के बंधे हैं वो हर जगह कहीं लीकेज कर रहे हैं और वो बंधे डैमेज हो चुके हैं इस बाढ़ के पानी में। तो उसके लिए, निदान के लिए भी हम लोगों ने बैठ के एक रणनीति बनाया है और उसके लिए भी काम हो रहा है। बिल्कुल, चलिए, आपकी नजर है, आपकी निगाह है अपने क्षेत्र में, अपने जिले में। मनोज जी, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं इस कॉन्क्लेव में, अब बारी है।